Hey guys, welcome you all on my YouTube channel. चलिए guys, आज हम लोग English Honors Semester 1 के syllabus को detail में करने वाले हैं. अगर आप Semester 1 में हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. इससे पहले भी मैंने एक syllabus पे वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें Semester 1 to 8 पूरे ही syllabus के बारे में बताया था. इस बार सिर्फ Semester 1 के syllabus को detail में बताने वाला हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एडमिशन हुआ वो ओनली मेजर सब्जेक्ट के आधार पे हुआ है, बट रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको माइनर सब्जेक्ट भी चुनना होगा और अन्य सब्जेक्ट भी चुनना होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में आपको 6 पेपर्स का एग्जाम देना है, जिसमें पेपर 1 में आपने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश को चुना है, जो कि MJC-1 के नाम से जाना जाता है. और सेकेंड पेपर जो है आपको माइनर सब्जेक्ट चुनना होगा MJC-1, जिसमें आप लोग हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, बंगला, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, म्यूजिक यानी संस्कृत एक्सेट्रा आप ले सकते हैं. थर्ड पेपर में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेना है, जो कि MDC-1 के नाम से जाना जाता है. इस सब्जेक्ट के अंदर आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं यानी आर्ट्स के संकाय से हैं तो आप साइंस या कॉमर्स के एक सब्जेक्ट को चुनेंगे. अगर आप साइंस से हैं तो कॉमर्स या आर्ट्स के एक सब्जेक्ट को चुनेंगे. उसी तरह से अगर आप कॉमर्स से हैं तो साइंस या आर्ट्स के एक सब्जेक्ट को चुनेंगे. यानी आप अपने स्ट्रीम से, अपने संकाय से हटकर आपको एक संकाय का सब्जेक्ट का चयन करना होगा. साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर पर जिस सब्जेक्ट का भी चयन करेंगे आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट का होना भी अनिवार्य है. फोर्थ पेपर जो आपका है वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स AEC-1, या आप इसको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL-1 भी कह सकते हैं. सभी स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन को चुनना पड़ेगा. प्लस में आपको कुछ ग्रामर्स भी यहाँ पे दिया गया है टॉपिक्स, जिसे आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा. और आपको पांचवा पेपर में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC-1 को चुनना होगा. इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस हो सकता है, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये दो टॉपिक दिया गया है, जिसमें पहला टॉपिक है एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और दूसरा है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपको डेली लाइफ में आप एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं ये टॉपिक पढ़ना है, जो कि काफ़ी आसान भी होगा. और लास्ट पेपर जो 6th पेपर है उसमें आएगा वैल्यू एडेड कोर्स VAC-1. इसमें सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस अलग अलग हो सकते हैं, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक है वो दो हैं. फर्स्ट में है एथिक्स एंड कल्चर और दूसरा में स्वच्छ भारत. तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो 6 पेपर आपको कौन कौन से लेने हैं. चलिए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 MGC यानी मेजर कोर्स जो है आपका, उसका सिलेबस क्या है. आप जान लीजिए, आपको मेजर कोर्स के तौर पे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ना है, जो कि पहले संस्कृत में होता था, अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया है. फुल मार्क्स आपको 100 मिलेंगे, थ्योरी में आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे. तो सिलेबस क्या है आपका, जो मेजर कोर्स है उसको आप समझें, क्योंकि सबसे मेन आपका यही है. सबसे पहले आप जानें कि आपके सिलेबस में टोटल 4 बुक है, जिसमें एक है अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास, दूसरा है द डाइसिंग द सीक्वल ऑफ द डाइसिंग एंड द बुक्स ऑफ असेंबली हॉर्न इन महाभारत बाय व्यासा, तीसरा है मिर्च कटिका बाय शूद्र का, और चौथा है बालकांड फ्रॉम इन्वोकेशन टू द बर्थ ऑफ राम ऑफ द रामायणा चैप्टर 1 to 19, जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है. इन बुक्स के साथ साथ आपको कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी सिलेबस में सजेस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा. और आपको ये चारों बुक्स कैसे मिलेंगी ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. एग्जाम पैटर्न को आप समझ लें, ये तो आपका सिलेबस था जिसमें 4 बुक आपको पढ़ना है. एग्जाम पैटर्न आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, जिसमें थ्योरी का 70 मार्क्स है और 30 मार्क्स आपको इंटरनल यानी कॉलेज में ही मिलेगा. 70 मार्क्स का जो आप एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या है उसे समझे. द क्वेश्चन पैटर्न शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन पैटर्न का 3 पार्ट आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए में कंपलसरी सभी को देना है, जो कि MCQs टाइप का क्वेश्चन है. आपको 10 क्वेश्चन देने हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स का हो जाएगा. 10 क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे. पार्ट बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना है, जिसमें से आपको 6 में से किसी 4 का ही जवाब देना है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा. 20 मार्क्स आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से मिलेंगे. और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 में से किसी 3 का आंसर देना है, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 30 मार्क्स हो जाता है. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 20 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन का 20 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन का 30 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स हो जाता है. और कॉलेज में आपको 30 मार्क्स का इंटरनल मिलेगा, जो कि 100 मार्क्स हो जाता है. तो ये तो थी आपकी मेजर कोर्स का सिलेबस, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको एक पेपर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का भी पढ़ना है, उसका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं और मैं इसको पढ़ाऊंगा भी. तो सिलेबस फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसको AEC-1 भी कहते हैं, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे. कोर्स कंटेंट को आप समझे, सबसे पहले यूनिट 1 में आपको 5 टॉपिक्स दिए गए हैं,
जिसमें से टॉपिक वन में है सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर यूसेज, बी में है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, सी में है टेंसेस एंड वॉइसेस, डी में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, और ई में है क्लॉजेस एंड देयर टाइप्स। ये यूनिट वन में था। यूनिट टू का जो सिलेबस है उसमें तीन टॉपिक है। ए में है वर्ड फॉर्मेशन, प्रेफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, एब्रीविएशन, बी में है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और सी में है पंक्चुएशन, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप, पैरेंथेसिस, एक्सक्लामेशन मार्क, स्लैश, एपोस्ट्रोफी एट्सेट्रा। यूनिट थ्री में आपको कम्युनिकेशन सीखना है, जिसमें कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, नीड्स क्या है, उसका टाइप क्या है, मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या रुकावटें हैं यानी बैरियर्स क्या है। आपको लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी सीखना है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लैंग्वेज कैसा होता है। आपको इतना ही नहीं, इसमें बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, अटायर, अपीयरेंस और हैंडशेक किस तरह से होता है ये भी सीखना है। और यूनिट फोर में नोट मेकिंग, करिकुलर एंड मेमोज, ऑफिस नोट्स, फॉर्मल ईमेल, रिज्यूमे एंड सीवी कैसे बनाते हैं, एंड नोटिस कैसे लिखते हैं, एजेंडा कैसे बनाते हैं और मिनट्स कैसे बनाते हैं ये सीखना है। इसमें कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी है जो कि पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा। और एग्जाम पैटर्न को समझ ले, जो MIL है इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी है जिसका कि एग्जाम होना है, 30 मार्क्स का आपको इंटरनल है यानी कॉलेज में ही मिल जाएगा। और क्वेश्चन पैटर्न का जहाँ तक बात किया जाए तो सेम ही क्वेश्चन पैटर्न है, यानी ए पार्ट में तीन पार्ट है क्वेश्चन पैटर्न का। ए में कंपलसरी देना है आपको जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का दो नंबर है, तो 20 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। पार्ट बी में बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और आपको चार क्वेश्चन का जवाब देना है 6 में से, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स आपको यहां से भी मिल जाएंगे। और तीसरा में पार्ट सी में आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 में से 3 का जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स आपको यहां से हो जाते हैं। टोटल आप देखेंगे तो 70 मार्क्स का एग्जाम है, एंड 30 मार्क्स आपको इंटरनली कॉलेज से मिल जाएंगे, तो आपका 100 मार्क्स हो जाते हैं। एट द एंड मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये पूरा सिलेबस किस तरह से मिलेगा। आपके पढ़ाई को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक PDF कोर्स बनाया है, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड MCQs प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात इसके प्राइस की, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप ऑफलाइन ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, बट ऑनलाइन में ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपको सिर्फ 499 में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी प्राइस में आपको आपके कोर्स का सभी बुक्स प्लस ग्रामर प्लस पर्सनल गाइडिंग भी मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको जोर दिया जाएगा, वहीं आपको सारा बुक्स, ग्रामर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड MCQs प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, आपको PDF में ही बाकी सारी चीज़ों को दिया जाएगा। और इस PDF की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, इस PDF का जो लैंग्वेज है वो इतना सिंपल है कि कोई भी इसको आसानी से समझ पाएगा। और अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसी तरह के लैंग्वेज में आंसर लिखना होगा। अगर आप बुक या गेस्ट पेपर के लैंग्वेज से आंसर लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।